आओ चलें देश को सुंदर बनाएं, देश को शक्तिशाली, सबसे पहले अपना देश तब हम सब। आओ मिलकर राष्ट्र को मजबूत बनाएं, नव निर्माण के साथ देशवासियों को समर्पित है। मेरा गांव मेरा देश, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। देशवासियों से अपील है कि पर्यटक के रूप में आप तीर्थस्थल पर या अयोध्या, काशी, प्रयागराज, कहीं पर भी आप जा रहे हैं और वहां पर जो है नदी है तो आप संभाल कर ही स्नान करें, क्योंकि पर्यटक के रूप में आप बाहर से आए हुए हैं और आपको गहराई का पता नहीं है, जिससे कि आप वहां पर जहां पर लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहीं पर ही आप स्नान करें। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अयोध्या में और वहां पर इस वक्त अधिक हर नदियां भर चुका है, वहां पर बहाव अधिक तेज है और वहां पर देखते हुए गहराई और यह आप पता नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल समझकर आप वहां स्नान करने लगते हैं, वहीं पर खतरा मंडराने लगता है। जनजीवन के बारे में भी आप खतरे से आप भाप नहीं सकते हैं, इसलिए आप सभी से अपील है कि उन्नाव जिले से 4 लोगों ने जो है बुधवार को यहाँ पर अयोध्या घूमने आए थे, जिससे कि सरजू माँ का नदी है और वहाँ पर 3 लोगों ने स्नान करने लगे और तीनों डूबते बचते हुए 2 को जल पुलिस ने बचा लिया, लेकिन एक जो है नहीं बचाया जा सका और वह जो है गहरे पानी में और बहाव के साथ बहता चला गया, जिससे कि आप सभी से अपील है कि यदि आप अयोध्या आ रहे हैं या प्रयागराज जा रहे हैं, गंगा जमुना सरस्वती हैं माँ, और या आप गंगा माँ विश्वनाथ मंदिर के पास काशी जा रहे हैं या अयोध्या सरजू माँ हैं, वहाँ पर आप स्नान करने आ रहे हैं श्री राम जी की नगरी में पर्यटक के रूप में, तो आप खास ध्यान जरूर रखें। आप जल्दबाजी किसी तरह का ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में जान माल का खतरा हो जाता है। आप सभी लोग सावधानी पूर्वक सतर्कता से वहाँ के लोकल लोगों से पूछें या वहाँ पर सरकारी व्यक्ति, पुलिस हो या अन्य व्यक्ति हो, उससे आप पूछें कहाँ पर स्नान किया जा सकता है जहाँ जीवन सुरक्षित रहे। वहीं पर आपको बता दूं कि यह सब सावधानी करते हुए पर्यटक के रूप में आते हैं तो और अच्छा लगता है जब आप यह सब पूछते हैं। आप सभी से अपील है कि आप पर्यटक के रूप में आए हुए हैं तो आप जरूर से ज़रूर आप जो है या पूछें कि हमें स्नान कहाँ करना है, क्योंकि नदी गहरा होने से, गहराई से, और आप बहरी व्यक्ति होने से आपको पता नहीं चलेगा और आपको यह ऐसा जो है साहस नहीं करना चाहिए जिससे कि आप जान की खतरा हो सके। इसलिए आप सभी से अपील है कि गहराई में आप जो है स्नान करने जा रहे हैं तो यह खतरा मोल ना लें। आप वहां पर जो है लोकल व्यक्ति से पूछें कि हमें स्नान करना है और कहां पर किया जा सकता है, या तीर्थस्थल पर अधिक मात्रा में आप नदी, सागर और अन्य तालाब गहरे गहरे होते हैं, जिससे कि जान माल के खतरा उत्पन्न हो सकती है। आप सभी से अपील है कि आप यह सब सावधानी पूर्वक से ही यात्रा करें। पर्यटक के रूप में तीर्थस्थलों पर आप जा रहे हैं तो इसका विशेष ख्याल रखें। फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।